हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कैसे करें। सो आप लोग बहुत सारी गलती करते हो जिसकी वजह से शॉर्ट्स वीडियो वायरल नहीं हो पाता है। उसकी वजह है उसके हैशटैग। आप जब जो भी आप शॉर्ट्स बनाते हो उसके आगे पीछे कोई हैशटैग तो लगा, मतलब लगाना पड़ता है, जो अब बहुत सारे लोग गलती करते हो। जो लोग न्यू वीडियो अपलोड करते हो और बहुत सारे लोग तो टैग भी लगाते हैं, वो हैशटैग लगा के, और बहुत सारे लोग तो कीवर्ड भी ठीक से नहीं डाल पाते। सो आज इन फैक्ट इन वीडियो के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कर सकते बहुत इजी तरीके से। और ऐसे तो यूट्यूब तो रिकमेंड करता है बहुत सारे हैशटैग, तो आज हम बात करने वाले उसी हैशटैग के बारे में। सो ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे फेस में मत जाना, वो तो ऐसे ही है, जो भी है साइड में जो स्क्रीन दिख रहा है उसमें ध्यान दो। सो पहले आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, मैं कोई भी एक वीडियो उठा लेता हूँ। सो पहले आप लोग एक काम करोगे कि जो ये प्लस का आइकॉन है ना, प्लस का आइकॉन, तो पहले इसमें क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपको क्रिएट वीडियो क्रिएटर शॉर्ट में नहीं क्लिक करना है। जो लोग पहले जिसका कोई नॉलेज नहीं है, जिसका कोई सब्सक्राइबर नहीं है, उसको क्रिएट शॉर्ट में नहीं क्लिक करना है। आपको क्लिक करना है अपलोड शॉर्ट। अगर क्रिएट शॉर्ट में क्लिक करोगे तो वो पब्लिक, मतलब पब्लिक में तो जाएगा पर उतना जल्दी नहीं पहुँच पाएगा पब्लिक के अंदर, मतलब जो लोग पब्लिक है ना उसके पास नहीं पहुँचेगा वीडियो। सो आप लोग को अपलोड वीडियो में क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक वीडियो ले लेता हूँ। सो देखो यहाँ पर एक वीडियो आ गया। सो लॉन्ग वीडियो को तो नहीं, हम लोग शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट्स वीडियो को क्रिएट करेंगे। तो एड शॉर्ट में क्लिक करोगे, ठीक है, जो लोग लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट में क्लिक कर जाते। तो एग्जाम्पल के मैं ले लेता हूँ। तो इसमें जाने के बाद जो भी है बहुत लेट होता है इस प्रोसेसिंग, तो थोड़ा वेट कर लो। थोड़ा टाइम लगेगा, नेट बहुत स्लो चल रहा है भाई। इतना ले, मतलब नेट स्लो चल रहे हो, उसमें ध्यान मत दो, पहले देखो। सो आ गया, देखो। अब इस यहाँ पर जाकर आपको टेक्स्ट भी लगा सकते हो, टाइम लाइन भी लगा सकते हो, साउंड भी क्रिएट कर सकते हो। पर और बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना, रुको एक साउंड पहले ऑफ कर देता हूँ। वो लोग दूसरे का यूट्यूब की जो वीडियो है उसको ही कॉपी करके डाल देता है, पर वो नहीं करना है, क्योंकि वो अगर आप करोगे तो आपका तो व्यू नहीं आएगा और व्यूज़ बहुत डाउन जाएगा। तो एक काम करना है, आपका जो खुद का वीडियो, क्योंकि यूट्यूब में तो आपको 15 सेकेंड का वीडियो क्रिएट करने का मौका देता है, तो आप लोग क्या करना है, अपने फ़ोन से वीडियो को शूट करना है। तो उससे और एडिटिंग वगैरह करके वो डाल दो, और कुछ तो हेडसेट मैं आपको बता ही दूँगा, वो लगा लो, आपका 100% वायरल जाएगा ही, मैं आपको बोल देता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बता देता हूँ, कुछ भी लिख दो, मतलब कोई गान का नाम जो भी हो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आकाशन। तो जो भी इमोजी लगा दो वो लगा सकते हो। यहाँ पर जाके अब यहाँ पर देखो, कुछ हैशटैग में लगा रहता हूँ, जैसे ए वाला शॉर्ट्स फीड, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो
और आपका जो मेन है यूट्यूब शॉर्ट्स, तो हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, तो ये चार हैशटैग हमेशा लगा रखना अपन वीडियो में, मतलब आपका शॉर्ट्स में, वीडियो क्या बोलता हूँ शॉर्ट में। और आपका जो जिस कंटेंट का ये मतलब जिस मतलब जिस तरह सब वीडियो है, मतलब जिस कंटेंट का वीडियो है उस कंटेंट का ही हैशटैग लगाना। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट सेट, ठीक है। और एक बात करनी, यहाँ पर ऑडियंस में जाके यस नहीं करना, ये सब मेट्स किस नहीं, क्योंकि बहुत मतलब उसमें आपका रेस्ट्रिक्शन पड़ सकता है, इसीलिए नो इट्स नॉट फॉर किड्स में रखना है। मेरे नो किड्स, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स में रखना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर जाके, और आपको पब्लिक नहीं करना, क्योंकि पब्लिक अगर रखोगे तो बहुत सारे मुश्किलें आ सकती है। तो आपको अनलिस्ट में ही आपको अपलोड करना है, और ऐसे स्टेटस में बढ़ा दो हो जाएगा, तो आपको अनलिस्ट में। और इसका थंबनेल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स में कभी थंबनेल का ऑप्शन नहीं आता, जो भी हो अपलोड हो रहा है। मुझे पता है कि कॉपीराइट आएगा, फिर आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर मैं डिलीट कर दूँगा, कोई बात नहीं। तो हो गया अपलोड, देखिए। हाँ, तो हो गया, देखो अपलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद वो मैं नया तो स्टार्ट किया, ठीक है। जब आपको यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो मैं अपने जो वीडियो अपलोड किया है अनलिस्ट में, उसमें जाके दिखाई देता हूँ आपको दिखाई देता हूँ, बस ध्यान दीजिए और स्किप मत कर दीजिए, देखिए कॉपीराइट पड़ गया भाई, बताता हूँ कॉपीराइट पड़ गया, जो भी हो। तो यहाँ पर जाके ये जो पूरा जो है आपने टाइटल लिखा, पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करने पड़ेगा, कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आपका सोशल मीडिया का लिंक भी दे सकते हैं, और थैंक यू एवरी एवरी ऑन कॉपीराइट का डिस्क्लेमर जो भी हो दे सकते हैं, और मैं यहाँ यही देता हूँ। और यहाँ पे जो भी हैशटैग लगा हुआ है, हैशटैग मत दीजिएगा, आप जो भी मतलब कंटेंट का है, मतलब जो भी है बस हैशटैग मत दीजिएगा। यहाँ पर जाके जो है, यहाँ पर जाके जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स सो यहाँ पर जाके और क्या लिखना पड़ेगा, ठीक था। और एक हैशटैग था वो शॉर्ट्स फिट, शॉर्ट्स फिट, ठीक है। और देना पड़ेगा आपका जो और एक हैशटैग था ना शेयर, वो लिखा आप अपना नाम, मेरा नाम लिख देता हूँ, हो गया। अब आपके यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करने का बोलेगा, तो आप जो भी कंटेंट का कैटेगरी, जैसे मेरा ये म्यूज़िक कैटेगरी था, म्यूज़िक में लगा देता हूँ। और एक बार शो हाउ टू शो मी, पहले आप या नहीं कह दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं शो मी, मतलब शो कर देते हैं, पर पहले ये नहीं करना, क्योंकि आप बहुत से लोगों को पता चल जाएगा कि आपका कोई लायक ही नहीं है भाई, जो भी हो। तो आपको यहाँ का काम पूरा हो गया, फिर आपका पब्लिक करके सेव करना पड़ेगा। तो देखिए सेव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा आपका, आपको ठीक है, हो गया। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नीचे जो है सब्सक्राइब कर देना, और मेरा सेकंड एंड है सेकंड चैनल का लिंक दे दूँगा, तो उसको भी आप लोग थोड़ा
सपोर्ट कीजिएगा उस चैनल को भी, क्योंकि उस चैनल में गेमिंग का वीडियो अपलोड करता हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का आईडी भी दे दूँगा नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा, जैसे हम लोग ऐसे वीडियो अपलोड करते रहे और आप लोगों को भी फ़ायदा होता जाए। तो थैंक्स गाइस, तो जय हिंद, जय भारत।